नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है नारियल लहसुन की चटनी। मैंने इसके लिए ये गीला नारियल लिया हुआ है, ये कच्चा नारियल। इसका पानी जिसमें रहता है वो नारियल है। आप इसकी जगह सूखा नारियल भी ले सकते हैं। और लगभग 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ ली हुई है, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और ये सूखी लाल मिर्च है, दरदरी कुटी हुई है। ये स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। लगभग 1 छोटा चम्मच जीरा है जिसे मैंने भून लिया है तवे पे, लगभग 2 से 3 मिनट। और 1 नींबू का रस डाल रही हूँ मैं, जिससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। शुरू करते हैं चटनी बनाना। मिक्सर जार ले लिया मैंने, उसमें मैं ये नारियल डाल दूंगी, लहसुन डाल दूंगी, ये भुना हुआ जीरा डाल दूंगी, दरदरी कुटी हुई सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। इसे हल्का सा दरदरा रखेंगे हम। देखिए, एक बार इसे मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी, 1 नींबू का रस डाल रही हूँ मैं इसमें। नींबू का रस डाल दिया मैंने। अब मैं इसे 1 से 2 बार फिर से चला लूँगी। देखिए, नारियल लहसुन की चटनी पिस चुकी, हल्की सी दरदरी रखी है मैंने इसे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खाने के लिए तैयार है। मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। नारियल लहसुन की चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें नारियल का टेस्ट और तीखा टेस्ट, नींबू का खट्टा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चटनी जल्दी से तैयार भी हो जाती है और एक आसान सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, जिसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी के साथ खाइए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जो आपके खाने के टेस्ट को दोगुना कर देती है। तो आप भी लहसुन और नारियल की चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।